बीजेपी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के नेता जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को भी न्योता दिया है। ऐसे में अब इस बात पे चर्चा होने लगी है कि दोनों ही नेता आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। कन्फर्म हो गई एनडीए में चिराग की एंट्री। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत वह बिहार से करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उसने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी को न्योता दिया है। इस बात की लंबे समय से चर्चा है कि मांझी और चिराग फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वह लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को अपना समर्थन देते आए हैं। पिछले दिनों पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी। एलजीपीआर नेताओं की बैठक के दौरान ये मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद चिराग ने अपने नेताओं से कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही है, अभी एक दो दौर की बातचीत और होनी है। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल हम नेता और जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने 13 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही क्यास लगाए जाने लगे थे कि मांझी अब लोकसभा का चुनाव एनडीए में शामिल होकर जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गुजरात से अवैध तरीके से अमेरिका जाने के चक्कर में 9 लोगों के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये सभी 7 महीने पहले अहमदाबाद से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इतने दिनों के इंतजार के बाद अमेरिका नहीं पहुंचने पर 9 लापता लोगों में से एक की पत्नी ने साबरकांठा पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। गुजरात में कबूतरबाजी का एक और बड़ा कांड क्या सामने आ रहा है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात से अमेरिका जाने में 9 गुजरातियों के लापता होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुछ महीनों पहले भरत का संपर्क महसाणा में रहने वाले दिव्येश उर्फ मनोज पटेल और अहमदाबाद में रहने वाले महेंद्र के साथ हुआ। इन दोनों ने भरत रबारी को विश्वास में लेकर वर्क परमिट वीजा पर अमेरिका जाने के लिए 70 लाख की रकम तय की। इसके लिए 20 लाख रुपए एडवांस में देने की बात कही, शेष रकम अमेरिका जाकर कमाई कर देने का कहा था। भरत ने अमेरिका जाने के लालच में 20 लाख की एडवांस राशि दे दी। हालांकि भरत को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 8 अन्य लोगों के साथ विमान में अमेरिका भेजने की बजाय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, पोर्ट ऑफ स्पेन व इसके बाद डोमिनिका, वेस्ट इंडीज तक ले जाया गया। હકીકત માં એવું પણ જાણવા મળેલું છે કે માત્ર ભરતભાઈ એકલા નથી, પણ અન્ય બીજા 8 લોકો જે છે એ પણ એમની સાથે છે એવું પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળેલું છે। એટલે આપણે જે છે એ લોકો કોણ છે, એમના સગા સંબંધીઓનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે અને એમની જોડેથી હાલ અત્યારે વિગત મેળવવાનું ચાલુ છે કે એ જે છે એ એમની જોડે કઈ રીતે જે છે આ વસ્તુ બની છે અને એમનો સંપર્ક કઈ રીતે થયો અને એમણે કઈ પ્રોસેસ થકી આ નક્કી કરેલું હતું। एजेंट का संपर्क करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद भरत की पत्नी ने प्रांतिज थाने में दिव्येश पटेल तथा महेंद्र पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जो 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं उनमें कलूल, महसाणा, सरघव, हेडुआ, उत्तरसंडा, वडनगर के रहने वाले लोग शामिल है। हालांकि अभी इस मामले में भरत रबारी की पत्नी चेतना रबारी ने ही प्रांतिज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान यमुना पर बने बैराज के गेट ही नहीं खुल सके थे। कल रात भारतीय सेना ने एक गेट को खोलने में सफलता हासिल की थी। अब इंडियन नेवी और एयरफोर्स की एंट्री, देखते हैं मानसून रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली में बाढ़ के चलते पिछले कई दिनों से बाढ़ के चलते हाहाकार की स्थिति देखने को मिली। यमुना में आए उफान के बाद नदी का पानी शहर के अंदर घुसने लगा था और कई इलाके जलमग्न हो गए। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि जब यमुना से पानी आगे निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आईटीओ के पास बने बैराज के 5 गेट खुल ही नहीं सके। इन गेट को खोलने के लिए अब नेवी और एयरफोर्स की एंट्री होने जा रही है। भारतीय सेना पहले से ही बैराज के गेट खोलने में जुटी है और एक गेट खोलने में सफलता हासिल की थी, लेकिन अभी भी 4 गेट नहीं खोले जा सके हैं। इसके लिए मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम की मदद ली गई। नेवी की इस टीम में डाइवर्स, वेल्डिंग और कटिंग के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस मिशन में एयरफोर्स भी शामिल है।
रेगुलेटर टूटने के बाद यमुना का जो पानी दिल्ली में दाखिल हो रहा था उसे अब रोक दिया गया है। अच्छी बात यह है कि ये पानी वापस यमुना में जाता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पिछले महीने ही वैगनर समूह के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने बगावत करते हुए पुतिन के खिलाफ विद्रोह छोड़ दिया था। हालांकि बाद में बगावत शांत हो गई और प्रिगोजिन को रूस छोड़कर जाना पड़ा। अब अमरीकी राष्ट्रपति प्रिगोजिन को जहर दिए जाने की संभावना का मजाक उड़ाया गया है। बागी प्रिगोजिन को जहर की आशंका, क्या मानना है अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि बगावत करने वाले वैगनर समूह को ना तो कोई कानूनी मान्यता मिली हुई है और ना ही उसका कोई अस्तित्व है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाड़े के समूह वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन को जहर दिए जाने की संभावना का मजाक उड़ाया है। बाइडेन ने कहा है कि वह जो भी खाते हैं उसके प्रति सावधान रहेंगे। प्रिगोजिन को 24 जून को दक्षिणी रूस शहर रोस्तोव छोड़ने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को भी पता है कि प्रिगोजिन कहाँ है। बाइडेन ने कहा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सावधान रहता कि मैंने क्या खाया, मैं अपने मेनू पर नजर रखता, लेकिन सब मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी निश्चित रूप से जानता है कि रूस में प्रिगोजिन का भविष्य क्या है। प्रिगोजिन धीरे धीरे पुतिन का राइट हैंड बन गया। येवगेनी ने रूसी सेना के साथ मिलकर प्राइवेट आर्मी वैगनर की अगुवाई की। चाहे अमेरिका में चुनाव में दखल हो या फिर अफ्रीका और मध्य पूर्व में युद्ध में लड़ाकू भेजना, पुतिन पर वैगनर का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के लिए दक्षिण भारत के भी कई दलों को आमंत्रित किया है। इनमें MDMK, KDMK, VCK, RSP समेत कई दल शामिल है। इस बार विपक्षी बैठक में कितनी पार्टियां होगी शामिल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस बार 24 दल हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। 18 जुलाई को सभी दल बेंगलुरु में एकजुट होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने सभी 24 पार्टियों को फोन करके मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा है। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के कई विपक्षी दलों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। सूत्रों ने दावा किया है कि पटना मीटिंग के मुकाबले कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक में 8 और दल शामिल होंगे। इस बार बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। कर्नाटक के डेप्यूटी CM DK शिवकुमार भी उसका दावा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी मीटिंग में हिस्सा लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों की ऐसी पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।